किसान भाइयों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गर्मी में भिंडी की बुआई करना चाहते हो तो आपको इसमें कौन कौन सी बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। अगर आप मैं जो बातें अभी बताऊँगा अगर उनका आप ध्यान नहीं रखते हो तो आपके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अभी आपको पता होगा कि आपके खेत में अभी ठंड के मौसम में आपकी मिट्टी ठंडाई जा रही है, तो उसमें आप गर्मी उत्पन्न करके ही आप भिंडी बोए। अगर आप गर्मी उत्पन्न नहीं करोगे अपने खेत में तो आपको भिंडी के जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी, उगने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए मैं आपको कुछ ऐसे कुछ बताने वाला हूँ, तो आप हमारा वीडियो पूरा देखना। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और भिंडी की पूरी जानकारी देते हैं। उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास के घंटे के निशान पर भी आप बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। दोस्तों, अगर आप गर्मी में भिंडी की बुआई करना चाहते हो तो आपको किसी भी दुकान से जाकर आपको बढ़िया वेराइटी का चयन करना है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप एडवांटा कंपनी की राधिका भिंडी की ही बुआई करें, क्योंकि दोस्तों एक नंबर भिंडी है ये, लास्ट तक आपको बढ़िया उत्पादन देती रहती है। तो राधिका भिंडी आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। अगर आप नीमच ज़िले के आसपास हो तो नीमच ज़िले में उपलब्ध है, निम्मा हेड़ा में उपलब्ध है, क्योंकि दोस्तों ये निम्मा हेड़ा में ग्रो होने वाली एक बहुत ही अच्छी वेराइटी है, जो कि निम्मा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा वेराइटी यही बुआई की जाती है। दोस्तों, अगर आप सिंगोली में आपको किसी भी जगह न मिले तो श्री कृष्णा खाद बीज भंडार थाने के पास में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी वाजिब रेट में। तो दोस्तों, आपको बढ़िया वेराइटी का चयन करने के बाद में आपको उनको एक कपड़े की पोटली में बांध कर आपको उसमें, जो कि आपके गोबर होता है हमारे इधर उसको रोड़ी बोला जाता है, उसके अंदर आपको गड्ढा खोद कर उसके अंदर आपको 4 से 5 घंटे के लिए रखना है। तो दोस्तों, जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने गोबर जहाँ इकट्ठा कर रखा है वहाँ इतनी बहुत मात्रा में ज़्यादा गर्मी होती है। तो दोस्तों, जो आपके पास सीड है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, तो गर्मी उत्पन्न होने से वो जर्मिनेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप ऐसा ही करें, सबसे पहले आप एक कपड़ा लेवे, उसके अंदर जो भी आपने सीड है उसको पोटली बांध लेवे और जो भी आपके गोबर इकट्ठा कर रखा है वहाँ खड्डा खोद कर उसमें आप उस पोटली को डालते हुए 4 से 5 घंटे ही रखे। दोस्तों, ये हाइब्रिड वेराइटी है तो इसको आप ज़्यादा दिन तक रखते हो तो आपके बीज उगने में वापस प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कंपनी के अनुसार कहा गया है कि इसको ओनली 4 से 5 घंटे के अंदर ही इसको जहाँ आपने गोबर इकट्ठा कर रखा है वहाँ रखा जाए। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको अपने खेत में इसको बुआई के लिए करना है। आप इसकी चौपाई करें, ना कि आप ऐसे ही इसको छिड़क देवे। इस छिड़कने से बजाय आप इसकी चौपाई करें तो बहुत ही अच्छा काम है। तो दोस्तों, उसके पहले हम खेत की तैयारी के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास खेत रखा हुआ है पहले से तो उसे अच्छी तरह से अकाई जुताई करें। अकाई जुताई करने के बाद में दोस्तों उसमें आप बहुत अधिक मात्रा में आप सल्फर का प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों सल्फर एक ऐसा तत्व है, पोषक तत्व है, जो कि आपके खेत में गर्मी उत्पन्न करेगा। क्योंकि दोस्तों, आपके जो भी आप भिंडी की बुआई करना चाहते हो, अगर आप मिर्च की बुआई करना चाहते हो, अगर आप किसी भी सब्जी की फसल की बुआई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सल्फर का अवश्य प्रयोग करना है। सल्फर दोस्तों आपके खेत में नमी मतलब गर्मी उत्पन्न करेगा, जो कि आपको भिंडी की जर्मिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।